वेलकम टू द चैनल माई जी के स्टडी। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भारतीय सेना में जो है पोस्ट निकली हुई है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 19 नवंबर से इसका जो है फॉर्म फिल करना आप स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन इसकी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप देख पा रहे होंगे कि वैकेंसी निकली है सोल्जर की, जिसकी क्वालिफिकेशन जो है 8th 10th 12th पास, इसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। जॉब लोकेशन जो रहेगी नागापट्टिनम रहेगी, ये है तमिलनाडु में। और लास्ट डेट जो है इसकी अप्लाई करने की वो है 18 दिसंबर 2019। ठीक है, बाकी की और डिटेल मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो है, इसमें जो पहली पोजीशन है वो सोल्जर जनरल ड्यूटी की है ऑल आर्म्स में। इसकी जो रिक्वायरमेंट है 10th पास 10th बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका एवरेज मार्क्स जो है 45 मार्क्स होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट 33% तो होना चाहिए ऑब्वियसली जब भी आप पास करोगे। उसके बाद अगर जिनके पास मतलब जिनका जो है परसेंटेज नहीं है ग्रेडिंग सिस्टम से जो पास हुए हैं, उनका एटलीस्ट डी ग्रेड होना चाहिए, जिसका जो है 33 से 40 के बीच में जो है मार्क्स होना चाहिए। आई मीन कहने का मतलब ये है कि उसका जो ग्रेड है डी ग्रेड होना चाहिए और 33% तो उसके भी होने चाहिए। दूसरी पोजीशन है सोल्जर टेक्निकल की, जिसमें 10+2 चाहिए और वो जो कैंडिडेट है वो साइंस साइड से होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश कंपलसरी है। 50% एवरेज मार्क्स चाहिए और 40% हर एक सब्जेक्ट में चाहिए। तीसरी है पोजीशन सोल्जर ट्रेडमैन की, क्वालिफिकेशन है 10th पास और इसमें कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कितनी भी परसेंटेज चलेगी बट हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होने चाहिए। चौथी है सोल्जर ट्रेड्समैन की, जिसमें 8th पास जो है चलेगा और इसमें भी कोई भी परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है, खाली एक ही कंडीशन 33% जो है हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए, एज जो है 17.5 साल से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, बताता हूँ मैं आपको अदर कंडीशंस। अदर कंडीशंस जो है वो है टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए, आप एक ही कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है फिजिकल फिटनेस होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम भी होंगे। ठीक है, इसका जो एड्रेस है वो आप देख पा रहे होंगे, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस रिक्रूटिंग ऑफिस सॉरी तिरुचिपल्ली में, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली एट डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम। आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए जो है आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक ये जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, आप वहां डायरेक्टली क्लिक करके उसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन थी, बाकी की जानकारियों के लिए आप जो है वेबसाइट पे विजिट कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको बाकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा और भी नई नई वैकेंसी की जानकारी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।